अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सुकैना खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं महबूब आपके कदमों में सेकंड। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टोरी से हर वो लड़की जो अपने महबूब को अपने कदमों में यानी अपने दिल के करीब जाती है, उसको ये ड्रामा, ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। और ये हर जगह आप देख सकते हैं कि जब आप कहीं सिग्नल पर रुके या आप कहीं जा रहे होते हैं तो बड़ी बड़ी जगहों पर बिल बोर्ड्स लगे होते हैं कि महबूब आपके कदमों में, फ़लाना फ़लाना फ़लाना। तो ऐसा है और ये एक बहुत रियलिटी है कि महबूब आपके कदमों में आपने सुना ही है, आएगा कैसे ये आपको इस प्रोजेक्ट। अपने प्यार को, अपनी चीज़ को पाने के लिए ये उस हद तक के जाती है जिसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि एक लड़की एक और सकती है। तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ, खुद गर्ज है अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, बस कुछ भी कर सकती हूँ कुछ। मैंने अपना लास्ट प्रोजेक्ट जब किया था जाल हम जीने के लिए, तो उसमें मैं बहुत नेगेटिव थी, मतलब लाइट नहीं गिरा। लेकिन जब मैं वो कैरेक्टर करती थी जूनिया का, तो सुकैना की और जूनिया की एक लड़ाई होती थी, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो जूनिया, और जूनिया को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत रियल लाइफ में। ऑब्वियसली मतलब उसमें इतनी लाउड है वो लड़की और ठक ठक ठक, जाहिर है जब आप लोग भी उसे देखते होंगे तो आपका दिल चाहता होगा यार इतना बोलती है। इसके मुझे लगता है कि एक्टर हर कोई होता है, लेकिन जो एक कैरेक्टर एक्टर होता है ना, वो बहुत कम होता है। तो मैं स्क्रिप्ट तो देखती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो मैं कर सकती हूँ या नहीं, और वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अच्छा साबित हो गया या नहीं। उन लोगों से थोड़ा सा कहना चाहूँगी जो मुझे जूनिया के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि आपको नहीं करना चाहिए था, आप बहुत चीख रही हैं, तो मैं डिफेंस में ये कहना चाहूँगी कि मैं रियल लाइफ में ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर कभी आप लोग मुझसे मिलेंगे तो आपको खुद को भी फील हो जाएगा, और मुझसे प्यार करने के लिए और मुझे प्यार करने के लिए, इतना पसंद करने के लिए, इधर शुक्रिया। और जो